मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मानवता शर्मसार। एम्बुलेंस नहीं मिली, डिक्की में रखकर शव लाया पिता। कलेक्टर ने सुनी गुहार, कार्रवाई का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कलेक्ट्रेट परिसर के ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। सरकारी सिस्टम की वजह से बनी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये फैसला तो प्रशासन ही करे। लेकिन इन सब में फंसकर एक पिता अपने बच्चे का मृत शरीर बाइक की डिक्की में रखकर ले जाने को मजबूर हुआ। दरअसल मंगलवार को नवजात के शव को ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। इसके बाद पिता शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। यहां परिसर में नवजात के शव को परिजनों ने डिक्की में रखे थैले से जब निकाला तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। परिवार का डिलीवरी था तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो डॉक्टर बोला कि आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो फिर अल्ट्रासाउंड ले जाके अल्ट्रासाउंड वाला खुद बोला कि बच्चा पेट में स्पार कर चुका है। तो हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोले कि आप इसको ट्रामा सेंटर ले जाइए, तो वहाँ पर आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। तो हम ट्रामा सेंटर में आए संडे को, जो है कि वहाँ पर दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोले कि आपका कल 3 बजे जो है कि आपका दवा इलाज होगा। तो हम शाम को घर चले गए और समय से 3 बजे आ गए। तो फिर नर्स लोगों को बोले कि हम लोग का आज दवा होना था, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है पर्ची दिखाइए। तो हम बोले कि कल ही पर्ची जमा था, तो बोले हैं कि दूसरा पर्ची बनवा के लिए, दूसरी पर्ची बनवा के ले आए। इसके बाद बोले कि आप इस पर्ची पे किसी डॉक्टर का लिखवा के ले आए, इसके बाद हम लोग दवा करके मैं तो नहीं करेंगे। तो पता चला कि सरिता मैडम वहाँ अपने रूम पर रहते हैं, वहाँ पर रोते हैं। तो हम वहाँ गए उनके यहाँ, तो उनसे देखाने से कल वाला आज मैं लोग तो कल से है ना, तो कल गए वहाँ ट्रामा सेंटर। मतलब वहाँ से बोले कि आप वहाँ जाइए उनके रूम पे, सरिता मैडम के रूम पे जाइए, वो फिलहाल अभी नहीं बैठे हैं। तो उनके रूम पे गए तो वहाँ पे पर्ची कटवाना पड़ा 200 रुपये का। इसके बाद डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी, तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले कितना, बोल रहे कि 5,000। हम बोले कि कहाँ का, बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। हमारे पास उसमें 3,000 रुपये सरिता अपने के लिए नहीं, हाँ उनका जो आदमी था वो मांगा, वो नहीं मांगा। तो बोले कि पैसा 5,000 चाहिए। हम बोले कि 3,000 हमारे पास लीजिए। तो बोला कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए फिर 5,000 की व्यवस्था किए, तो 5,000 की व्यवस्था ले आके दिए। तो मैडम बोली कि हम शाम को आएंगे फिर उनको देखेंगे आपके परिवार। तो शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए, तो बाद में पता चला कि बच्चा इस बार। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, कहाँ? गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को आने के? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या वजह था, क्या बीमार, मतलब पेट में ही कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, डॉक्टर बता रहे थे पहले से कि शायद इनको चोट लग गया था, इसकी वजह से बच्चा पेट में पहले से मर चुका। इस दुखद घटना की शुरुआत 17 अक्टूबर से हुई। दिनेश भारती अपनी पत्नी मीना भारती को लेकर सिंगरौली के जिला अस्पताल पहुंचा था, लेकिन स्टाफ ने डिलीवरी नहीं कराई और महिला को प्राइवेट अस्पताल भेज दिया। हालांकि जब पता चला कि बच्चे की कोख में मौत हो गई, तब वापस बुलवाकर डिलीवरी करवाई गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को भिजवाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया, मजबूरन पिता कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंच गया। इस मामले में कलेक्टर पर कार्रवाई की बात कही गई है। मामला संज्ञान में लाया है और ये जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर संबंधित है। तो उसमें जो भी इसमें जो घटना घटित होना बताया है उसके अनुरूप इसमें जो संबंधित पीड़ित पक्ष से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें हम यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रेषित करेंगे और उनकी वहाँ प्रकरण की जांच करेंगे। जांच में अगर तथ्य प्रमाणित पाए जाते हैं तो हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जिला अस्पताल जाने के बावजूद वो शव को, नवजात बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई, उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं मिले। बाइक में सर वो डिग्गी पे नवजात शिशु को मृत अवस्था में डिग्गी पे लेके आ रहे हैं। सर अभी हम जो हमारे SDM हैं उनको भेजेंगे और उसमें क्या वस्तुस्थिति है उसकी उसकी जाँच कराएंगे। जाँच कराने के उपरांत अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसमें आगे उसमें कार्रवाई करेंगे।